चल है मैं सैनब हूँ, ये वक्त चल है मैं सैनब हूँ, है टुकड़े टुकड़े सामने गरीबा है बाबा, मेरे चले पाप का कोई न रहा, जितने अल्लाह 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 हजे शाम है शाम आशुरा, ये हॉस्पिटल है मैं सैनब हूँ, ये हॉस्पिटल है मैं सैनब हूँ, है टुकड़े टुकड़े दिल मेरा, ये हॉस्पिटल है मैं पैगाम यही है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हक को अपनाओ। ये मौला अली ने वसीयत नामे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा, ए हसन हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अगर वो जालिम बाप भी क्यों ना हो, हमेशा मजलूम को सपोर्ट करो, अगर वो गारी मुस्लिम। करबला की जंग सिर्फ जुल्म और बातिल के खिलाफ, हुसैन हक है, यजीद बातिल है, ये किसी फिरके का नाम नहीं है, दो ही फिरका कयामत तक रहेगा, एक मजलूम रहेगा एक जालिम रहेगा, जालिम पर खुदा लानत करता है। मजलूम वो कौम है, यानी हर एक ने यही कहा, जैसे मुझे इस वक्त याद आया सिख बरादरी का गुरु नानक, उसने अपने मरीज से कहा जा हुसैन की मातम करो, उसने कहा क्यों मरकर मुसलमानों का इमाम है, मैंने उसने कहा अच्छा आपके घर में बहन है, उसने कहा बेशक है, उसने कहा जब घर पहुंचे बहन के साथ शादी करो, उसने कहा क्या हो गया, तो यही तो मैं समझाया, हुसैन ने हर दीन को यही बचाया, हर लाज बचाया, अगर यजीद की हुकूमत चलेगा न माँ नजर आएगा न बहन नजर आएगा न बेटी नजर आएगा, हुसैन ने यही बचाया। तभी तो ख्वाजा अजमेरी ने कहा शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। अरेंजमेंट्स के हवाले से आप देख ही रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, जो भी जुलूस के सिलसिले में जिनको अरेंजमेंट की करने की जरूरत थी, चाहे उसमें बिजली का महकमा हो, पानी का महकमा, पीएचई वालों का, फायर टेंडर इन प्लेस है, मोबाइल लेबोरेटरीज इन प्लेस है, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज है विद ऑल मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हर कोई सुविधा गवर्नमेंट की ओर से मुहैया है। ये मगरिब की अजान तक जो हमें इनका प्रोग्राम मिला है, कम से कम ये मगरिब की अजान तक ये रहेगा, और उसके बाद ट्रैफिक डाइवर्जन जो इन प्लेस है उसको हटा के ट्रैफिक हम रेस्टोर करेंगे। ट्रैफिक जो डाइवर्जन्स है एक ऐसा स्टेप है जो अनअवॉइडेबल है, और जितना हो सका हमने आज काफ़ी देर तक कोशिश की कि ट्रैफिक को इसी रूट से चलाया जाए, आधे दिन तक कम से कम एक बजे तक हमने इसी रूट से ट्रैफिक चलाया ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े। और जहाँ तक ट्रैफिक डाइवर्जन्स का सवाल है, ट्रैफिक के हवाले से जो एडवाइजरी आई वो काफ़ी एडवांस में आई और उसको काफ़ी सर्कुलेट भी किया ताकि सब लोग अवेयर हो जाएं, ताकि दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पब्लिक बहुत ही अच्छा तआवुन रहा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आज का जुलूस का एहतमाम किया है उनकी और उनके वॉलंटियर्स भी हैं रोड पर, जो कि बिल्कुल शाना बशाना हमारे साथ खड़े होकर कोऑपरेट कर रहे हैं, और ताकि ये सक्सेसफुली सारा जुलूस चले और इख्तिताम तक पहुंचे।